साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल में एक व्यक्ति ने अध्यापिका से फोन पर अश्लील बातें कर उसे अपने झांसे में फंसाया और बाद में अपहरण कर उसका दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाई। वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और आत्महत्या करने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल महिला थाना प्रभारी इंदुबाला ने बताया कि एक 27 वर्षीय पीड़िता महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह प्राइवेट स्कूल में दाखिला इंचार्ज के पद पर कार्यरत है। पीड़िता के पास अभिभावकों के दाखिला के लिए फोन आते रहते हैं। गत वर्ष पीड़िता के पास राजकुमार निवासी पचोला कला दादरी भिवानी का फोन आया। राजकुमार बार बार पीड़िता को फोन करने लगा और फोन पर अश्लील बातें करने लगा। पीड़िता जब फोन करने का विरोध करती तो वह अश्लील बातों को वायरल करने और सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, रुपए की मांग करने लगा। राजकुमार से परेशान होकर अगस्त वर्ष 2018 में पीड़िता ने राजकुमार के अकाउंट में 20,000 रुपए डलवा दिए, लेकिन राजकुमार अपनी आदतों से बाज नहीं आया और बार बार रुपयों की मांग करने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने 17 फरवरी 21 फरवरी और 26 फरवरी साथ ही 13 मार्च वर्ष 2019 को राजकुमार के अकाउंट में 20,000 रुपए डलवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी राजकुमार फोन पर बात करता रहा। 2 अप्रैल को राजकुमार कार लेकर के पीड़िता के स्कूल के बाहर आया और फोन करके बाहर बुलाया। पीड़िता जब बाहर आई तो राजकुमार ने जबरन उसका कार में अपहरण कर लिया और कुछ देर बाद सड़क पर छोड़ दिया। उस समय पीड़िता का फोन राजकुमार की कार में रह गया। अगले दिन 3 अप्रैल को राजकुमार ने फोन वापस करने की बात कहकर पीड़िता को स्कूल से बाहर बुलाया और कार में बिठा लिया। राजकुमार पीड़िता को सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो के साथ साथ वीडियो भी बनाई। दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर राजकुमार ने पीड़िता को फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, जिसके डर से पीड़िता चुप रही और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन राजकुमार बावजूद इसके फिर भी पीड़िता से रुपयों की मांग करने लगा। राजकुमार से परेशान होकर पीड़िता ने आप बीती सारी बात 23 अप्रैल को अपने परिजनों को बता दी। परिजनों की मदद से पीड़िता ने राजकुमार के खिलाफ शिकायत महिला थाने में दर्ज करवा दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा कर जहां पर दुष्कर्म की पुष्टि हो गई, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया कि वो दाखिला इंचार्ज के रूप में काम कर रही है और उसको लगातार कोई अनजान नंबर से कॉल आई और धमकी भरी कॉल और पैसों की डिमांड की। फिर 3/4/2019 की घटना बताई है। आरोपी आया है और उसको जहाँ से वो पढ़ाती है स्कूल में दाखिला वगैरह का काम जो भी करती है, वहाँ से उसको बुला करके उठा लिया वहाँ से और साथ लेकर के गए और रेप के बाद उसको छोड़ दिया। पैसे की डिमांड होता है, पैसों की भी डिमांड करता रहा लगातार, कभी सुसाइड करने की धमकी देता है, कभी कुछ है। तो 20,000 SBI अकाउंट में डलवाए और फोटो वगैरह बताती है और वीडियो भी बता रही है कि वीडियो वायरल करने की धमकी दी है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अभी कोर्ट से इसका रिमांड वगैरह हासिल करके आगे कार्रवाई करेंगे।